दिल कैसे काम करता है। दिल दो पंपों के मेल से बना है। उसका एक पंप फेफड़ों को और दूसरा पंप शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाता है। फेफड़ों में जब रक्त पहुंचता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। रक्त नीले रंग का होता है और अशुद्ध रक्त कहलाता है। लेकिन फेफड़ों में रक्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, उसमें ऑक्सीजन घुल जाती है तो वो लाल रंग का हो जाता है और शुद्ध रक्त कहलाता है। इसकी जानकारी हमें महान चिकित्सक विलियम हार्वे ने दी थी। हार्वे चार्ल्स कौन थे? हार्वे चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक थे। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया, जीवित जंतुओं के सीने का ऑपरेशन किया, दिल के धड़कनों को उन्होंने पहली बार देखा। उन्होंने देखा कि दिल कुछ देर तक धड़कता है, फिर रुकता है, फिर धड़कता है और फिर रुकता है, और यह सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है। इसी आधार पर उन्होंने 72 पृष्ठों की एक पुस्तक ली जिसका शीर्षक था जंतुओं में हृदय की गतिविधि। इसमें उन्होंने लिखा था कि दिल एक खोखली पेशी है, जब यह काम करता है तो छोटा हो जाता है इसलिए पीला पड़ जाता है, जब काम नहीं करता तो इसमें रक्त भर जाता है और यह पेशीनुमा पंप के समान है। उन्होंने देखा कि दिल एक मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है। हम जानते हैं कि आखिर यह रक्त फेंकता कहाँ है। दिल रक्त को शरीर के बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर ही चक्रनुमा रास्ते में फेंकता है। हार्वे के इस अनुसंधान ने विज्ञान जगत को एक नया आयाम दिया। रक्त संसार के इस करिश्मे को देखने के लिए दूर दूर से वैज्ञानिक इकट्ठे हुए। आप अगर आप दिल की धड़कन सुनना चाहते हैं तो सीने के बाईं तरफ हाथ रखकर इसे सुन सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप वह उपकरण है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर दिल की धड़कन सुनने में करते हैं। इसे दिल की धड़कन बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है। दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है। दिल एक दिन में लगभग 1,00,000 बार, साल में 4 अरब बार धड़कता है। दिल जब धड़कता है तो दो धड़कनों के बीच 1 सेकंड का 25वां हिस्सा का अंतर होता है।